पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव लोहारी रागो में किया पुस्तकालय व गुरुद्वारे का शिलान्यास। हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भखाना जींद के विधायक भी मौजूद रहे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा पुस्तकालय से आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हर विरक्त का हितैषी है बजट। हमारे प्रयासों से ही केंद्र सरकार ने राखी गढ़ी के लिए पैसे जारी किए हैं जिसे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नारनौंद की राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में हम कामयाब रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा 90 के 90 हलकों को लाभ देने के लिए बजट जारी किया गया है जिसे 2,60,00,000 लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा एक हरियाणवी एक को समर्पित है मनोहर लाल पार्ट 2 का बजट। सभी से फीडबैक लेकर बजट जारी किया गया है। युवाओं को रोजगार देने में होगा लाभकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बोले कैप्टन अभिमन्यु कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहकर ही खुश हूं। कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर बोला हमला। बोले विपक्ष में नहीं है अब बजट की समझ। आंकड़ों को समझने की बजाय राजनीति करता है विपक्ष। बिना जाने टिप्पणी करना गलत है। पहले सरकारों पर पैसे खर्च होते थे अब निर्माण पर होते हैं बजट के ज्यादा पैसे खर्च। विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु द्वारा विकास करवाने की बात पर रामकुमार गौतम का धन्यवाद किया। क्षेत्र के लोहारी गांव में बाबा जोत साहिब सचियार जी की स्मृति में यहाँ की समिति के सभी साथियों ने साथ संगत ने मिलकर के और एक नए गुरुद्वारा के निर्माण की आधारशिला का कार्यक्रम वही उसके साथ में आने वाली पीढ़ियों के लाभ हेतु एक पुस्तकालय के निर्माण की उसकी आधारशिला का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। बहुत बड़ी तादाद में साध संगत यहाँ पर पधारी। बाबा जोत साहिब सचियार जी का एक बहुत ही शानदार इतिहास आज से 425 साल पहले प्रकट होकर के उन्होंने धर्म प्रचार में और वही राष्ट्र और समाज के प्रति एक महान संत के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम किया था। तो गुरुद्वारे के साथ साथ एक पुस्तकालय का निर्माण भी हो रहा है और उसकी आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि पुस्तकालय से आने वाली पीढ़ी के बालकों को ज्ञानवर्धन में लाभ मिलता है। मनोहर सरकार पार्ट 2 का पहला बजट कल विधानसभा के पटल पर रखा। यह बजट वास्तव में हरियाणा प्रदेश के 2,60,00,000 से अधिक लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के संकल्प को समर्पित है और एक नए हरियाणा के निर्माण की प्रक्रिया जो हमने सन 2014-15 के कार्यकाल में प्रारंभ की थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर आगे बढ़ कर के ये बजट साबित होने वाला है। देख पा रहा हूँ कि विपक्ष के अंदर शायद या तो बजट की समझ नहीं है, आर्थिक विषयों की समझ नहीं है, आर्थिक सिद्धांतों की समझ नहीं है। जब वो कभी कभी तो बिल्कुल बचकानी बात कर देते हैं और आंकड़ों को समझने की बजाय उस पर एक राजनीतिक टिप्पणी करके वो बच निकलना चाहते हैं। केंद्र सरकार को हमारे ही प्रयासों का प्रतिफल है कि हमने लगातार जाकर के और केंद्र सरकार में इस बात के लिए हमने प्रार्थना की कि राखी गढ़ी ये पृथ्वी के ऊपर सबसे पुरानी मानव सभ्यता का अवशेष है और इसका अध्ययन करने के लिए पूरी दुनिया के सब देशों से भविष्य में लोग आए, इसलिए यहाँ पर विश्व स्तरीय म्यूजियम के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएँ हों और वहीं यहाँ के आवागमन की सुविधा भी हो। आनंद विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान राम कुमार गौतम जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जहाँ एक और नारनौंद के विकास के लिए कुछ बातें रखी हैं वहीं उन्होंने पिछले 5 वर्षों में हुए विकास को भी मुक्त कंठ से उन्होंने सराहना करने का काम किया। मैं इस बात के लिए जो छोटा सा प्रयास हमने गिलहरी योगदान जो एक छोटा सा योगदान नारनौंद के विकास में पिछले 5 वर्षों में किया और उसका उन्होंने विधानसभा के पटल पर वर्णन किया, मैं उनके इस उदार मन जो उन्होंने बात रखी प्रशंसा की है मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।